नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में हम एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दक्षिण एशिया के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और दक्षिण पूर्वी एशिया के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने वाला जो संगठन वर्तमान में बन रहा है वो बेसिकली बिम्स्टेक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली हमारा टॉपिक होगा बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक हमारा होगा। और बिम्स्टेक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यार बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, फिर इसका पूरा नाम क्या है, बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, बिम्स्टेक के सम्मेलन अब तक कहां कहां पर हुए हैं, बिम्स्टेक के सम्मेलन कहां कहां पर हुए हैं, बिम्स्टेक का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिम्स्टेक की कमियां क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, क्या बिम्स्टेक आने वाले वक्त में क्या ये सार्क का एक नया विकल्प बनेगा, क्या ये सार्क का एक नया विकल्प बनेगा, बिम्स्टेक किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी को सुरक्षित रख सकता है, बंगाल की खाड़ी को सुरक्षित रख सकता है, तो ये तमाम पॉइंट्स जो है, और क्या बिम्स्टेक आने वाले वक्त में कनेक्टिविटी का एक नया संगठन बन सकता है, कनेक्टिविटी का, संपर्कता, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर कनेक्टिविटी का एक सूत्र दिया है जिसको हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जो पॉइंट्स हमें याद में रखने हैं, जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, वो ध्यान में रखने हैं, नंबर वन, सबसे पहले स्थापना, सबसे पहले हम स्थापना देखें, तो स्थापना के पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना कि बिम्स्टेक जो है सबसे पहले होगा बिम्स्टेक, BISTEC, आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले इसका नाम जो था बिम्स्टेक था। और कब की बात है, तो ये बात है 6 जून 1997 की, 6 जून 1997 की बात है, जब बैंकॉक, जो किसकी राजधानी है, थाईलैंड की, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में चार देशों ने मिलकर बिम्स्टेक की स्थापना की। सबसे पहले चार देशों ने मिलकर बिम्स्टेक की स्थापना की, और जो चार देश मिलकर सबसे पहले बिम्स्टेक में आते हैं वो उनके नाम जो है इसके पहले अक्षर में है, BIST ये होंगे, और ये चार नाम जो है यहां पे मैं लिख देता हूं, ये चार नाम थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक। सबसे पहले जो है बिम्स्टेक के नाम से यह संगठन बना, और इसमें चार देश जो सबसे पहले शामिल हुए उनके आरंभिक नाम यहां पर थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से था। तो सबसे पहले जो बिम्स्टेक बना वो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को थाईलैंड की राजधानी में बिम्स्टेक के नाम से हुई, जिसका पूरा नाम था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से। जाहिर सी बात है इन चारों का उद्देश्य था आर्थिक सहयोग करना। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है
वो ये है कि अगर हम मैप वाइज देखें तो ये भारत और भारत से लगता हुआ यहां पर ये आ गया बांग्लादेश, ये इंडिया, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका और यहां पर ये आपका इस, अगर आप इंडो चाइना प्रायद्वीप को देखें तो इंडो चाइना प्रायद्वीप का ये देश हो गया यहां पर थाईलैंड। यहां पर एक समानता क्या है, समानता क्या है कि ये जो चारों देश हैं, एक दो तीन और चार, इन चारों की तटीय सीमा जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है, बंगाल की खाड़ी से इनकी बाउंड्री लगती है, बेव बंगाल। तो उस आधार पर ये चारों तटीय देश एक साथ आए और इन्होंने डिसीजन लिया कि हम आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे ताकि अपनी साझी समस्याओं का समाधान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सके, ताकि बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा किया जा सके, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में हम एक दूसरे को बढ़ावा दे सकें, ताकि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ सकें। ऐसे बहुत सारी थीम के साथ जून 1997 में बिस्टेक की स्थापना हुई। अब कुछ समय बीता और थोड़े समय बाद ही बंगाल की खाड़ी से सीमा लगने वाला एक देश यहां पर है जो भारत का पड़ोसी भी है, उसका नाम है म्यांमार। तो जाहिर सी बात, म्यांमार ने अपनी इच्छा जाहिर की होगी क्या कि हमें भी शामिल कर लो ना यार, हमने ऐसा क्या पाप किया है। तो भारत ने कहा अभी अभी कौन सा, हमने कोई बहुत बड़ा लश्कर लूट लिया है, आप भी आ जाओ। तो इसी के साथ देखो आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 महीने के भीतर ही इसमें एक देश और आ गया। और आपको पता होगा दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर किसी देश के पास सबसे अधिक समस्या है तो म्यांमार है, जहां पर लगभग 40 साल तक तो सैन्य शासन रहा है, जहां अब भी हालात अच्छे नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बिगड़े हुए हालात म्यांमार में, और साउथ एशिया में सबसे बिगड़े हुए हालात अफगानिस्तान के अंदर है। और आप देखिए सार्क में शामिल हो गया अफगानिस्तान, तो सार्क डगमगा गया, और इधर बिस्टेक में शामिल हुआ म्यांमार, तो नाम तो काफी अच्छा हो गया बिम्स्टेक, लेकिन उसकी अंदर का ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है वो सब बिगड़ गया। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि बिस्टेक में एक देश और शामिल हुआ, वो था म्यांमार। और कब शामिल हुआ, तो दिसंबर 1997 अर्थात स्थापना के लगभग 6 महीने बाद ही बंगाल की खाड़ी से लगने वाला एक और देश बिस्टेक में शामिल हो गया, जिससे बिस्टेक का नाम बदलकर बिम्स्टेक हो गया, जिससे बिस्टेक का नाम बदलकर जब इसमें म्यांमार शामिल हुआ, तो म्यांमार के शामिल होते ही इसका नाम जो है वो बेसिकली बिस्टेक से हो गया बिम्स्टेक, बिस्टेक से हो गया बिम्स्टेक, और नाम लेने में भी अच्छा लगा बिम्स्टेक, मतलब यहां पर ये इजीली फिट भी हो गया, आराम से फिट भी हो गया एम, तो बिस्टेक से बन गया बिम्स्टेक। ये बना है जून 1997, और बिस्टेक से बिम्स्टेक बना है दिसंबर 1997, कुल मिला के एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन ध्यान रखना यहां पर इस संगठन का नाम था इकोनॉमिक कॉपरेशन, लेकिन आपको बताओ इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बहुत बड़ा कॉपरेशन है, वो कैसे कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ये कुछ नीतियां तय नहीं थी। और ये नीतियां तय इसलिए भी नहीं थी कि 1997 का आप अगर इनमें सबसे बड़ा देश देखोगे तो भारत है, और भारत में उस समय गठबंधन की सरकारें थी, और गठबंधन की सरकारें जो है वो डिसीजन मेकिंग में उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी आज की वन पार्टी सिस्टम वाली जो सरकारें हैं, वो डिसीजन मेकिंग में ज्यादा बेहतर होती है।
तो उस समय गठबंधन की सरकारें थी, इसलिए डिसीजन ज्यादा अच्छे नहीं हो पाए। और म्यांमार के अंदर तानाशाही शासन था, बांग्लादेश के अंदर भी गठबंधन की सरकार थी, श्रीलंका उस समय तमिल संघर्ष में जूझ रहा था, इसलिए कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। ऐसे करते करते न कोई सम्मेलन, न कोई रीजनल बैठक, बस बना दिया इसको। और फरवरी 2004 में हलचल हुई, वापस ध्यान से ध्यान रखना, फरवरी 2004 में इसमें हलचल हुई। और फरवरी 2004 में जो हलचल हुई उसके बाद इसमें दो देशों को और शामिल किया गया। फरवरी 2004 में दो देश शामिल हुए, उसको हम कहते हैं नेपाल और भूटान। आप देखिए, नेपाल और भूटान दो लैंडलॉक कंट्री हैं। नेपाल और भूटान जो है वो दो लैंडलॉक कंट्री है, वो इसमें शामिल और हो गए। नेपाल और भूटान जो है वो भी इसमें शामिल हो गए। अब नेपाल और भूटान इसमें शामिल होने से संख्या कितनी हो गई, तो 1, 2, 3, 4 पांचवा हो गया म्यांमार, छठा हो गया नेपाल और सातवां हो गया भूटान। मतलब कुल मिला के बिम्स्टेक में टोटल मेंबर जो है वो बेसिकली 7 हो गए। अब आप देखिए, नेपाल और भूटान की सीमा दूर दूर तक बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है, लेकिन चूंकि नेपाल और भूटान से भारत से रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें भी शामिल कर लीजिए, तो भारत ने कहा आप भी आ जाओ। अभी कौन सा कोई बहुत बड़ा लश्कर लूट लिया गया है। कुल मिलाकर भारत ने अपने दो महत्वपूर्ण पड़ोसी नेपाल और भूटान को भी इसमें शामिल कर लिया। और नेपाल और भूटान को शामिल करने से इसमें टोटल संख्या जो है वो हो गई 7। टोटल संख्या 7 हो गई। नेपाल भूटान जो शामिल हुए हैं वो शामिल हुए हैं फरवरी 2004 के अंदर। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आई, सबसे ज्यादा दिक्कत आई कि जब बिस्टेक, सॉरी सबसे पहले था बिस्टेक तो बन गया बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक में सभी शामिल देशों के पहले अक्षर शामिल है, तो नेपाल और भूटान ने भी अपनी इच्छा जाहिर की होगी कि हमें भी तो शामिल करो इसमें। तो कहां संगठन में, तो भारत ने कहा आपको कर लिया शामिल, कि हां संगठन में शामिल कर लिया, नाम में भी शामिल कीजिए, मतलब इस नाम में कहीं नेपाल भूटान नहीं है। इसलिए यहां पर फिर एक चेंज किया गया, और चेंज ये किया गया कि अब बिम्स्टेक जो था उसका, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ही चेंज कर दिया गया। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या था, तो आप देखोगे यहां पे बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म होगा बे ऑफ बंगाल। इसका फुल फॉर्म था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस नाम से इसका नाम बदल दिया गया। देखिए आप, जब नेपाल और भूटान को इसमें शामिल किया गया तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म था वो फुल फॉर्म बदल दिया गया और इसका नाम चेंज किया गया बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। हालांकि थोड़ा तार्किक नहीं लगता है क्योंकि दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है, फिर भी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम कर दिया गया। तो आपसे पूछे कि बिस्टेक से बिम्स्टेक और बिम्स्टेक का पूरा नाम फुल फॉर्म कब चेंज की गई, तो 2004 में। और यहां से आप दो बिंदु और ध्यान रखेंगे और वो दो बिंदु है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, कि पहली बात तो स्थापना कवर हो गया, ये स्थापना जून 1997 में हुई,
दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार शामिल हो गया, दिसंबर 1997 में म्यांमार शामिल हुआ, और वर्ष 2004 के अंदर, फरवरी 2004 के अंदर इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए। तो ये आपका कवर हुआ। फिर आपका दूसरा पॉइंट होगा, इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये भी आपका पूरा हो गया। अब बात करें सम्मेलन की, तो ध्यान रखना ये एक कमजोरी भी है, किसकी? बिम्स्टेक की, कि बिम्स्टेक अपनी स्थापना के बाद से प्रॉपर तरीके से अपने सम्मेलनों को आयोजित नहीं कर सका है। उसमें अभी तक इसके चार सम्मेलन हुए हैं। पहला 2004 में, पहला सम्मेलन जो है वो 2004 में, इसका सेकंड सम्मेलन जो है वो हुआ 2008 में, थर्ड हुआ है 2014 में, और फोर्थ हुआ है 2018 में। जो पहला सम्मेलन 2004 में हुआ बिम्स्टेक का, वो पहला सम्मेलन हुआ है बैंकॉक के अंदर, जो बेसिकली थाईलैंड की राजधानी है। यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इसमें बैंकॉक की जगह पर ढाका दे रखा है। तो उस चीज को हमें थोड़ा ध्यान रखना है, वो कंफर्म करना है, लेकिन आधिकारिक रूप से यहां पर बैंकॉक है। 2008 में यह सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, नई दिल्ली भारत में। आपसे पूछिए कि बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन इंडिया में कब हुआ था, तो उत्तर होगा नई दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद 2014 में इसका सम्मेलन हुआ नापीता, नापीता जो है बेसिकली म्यांमार के अंदर है, नापीता म्यांमार के अंदर है, म्यांमार की राजधानी है, वहां पर इसका सम्मेलन हुआ। और उस समय भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग लिया था भारतीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने। आपसे पूछे कि मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अंतिम किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो उत्तर होगा बिम्स्टेक के अंदर। उनकी अंतिम जो भाग लिया था वो बिम्स्टेक में लिया था। उसके बाद 2018 में ये सम्मेलन काठमांडू में हुआ है। तो सबसे ज्यादा याद रखने वाला जो बिंदु आपके पास में होगा वो है 2018 का काठमांडू सम्मेलन, और काठमांडू सम्मेलन अर्थात नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका सम्मेलन हुआ है। और अब नेक्स्ट जो होगा वो श्रीलंका में होगा। तो ये पॉइंट्स, स्पेशली चौथा सम्मेलन ध्यान रखना, फोर्थ समिट, और वो क्या है कि इसका लेटेस्ट समिट कहां पे हुई है बिम्स्टेक की, तो उत्तर होगा आपका इसका लेटेस्ट समिट जो है वो नेपाल राजधानी काठमांडू में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ है। अब इसके आगे बढ़े, बिम्स्टेक में हम आगे बढ़े, तो एक बिंदु आएगा आपका, बिम्स्टेक का महत्व क्या है। ये बिंदु भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि बिम्स्टेक का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो बिम्स्टेक का महत्व क्या होगा, नंबर वन, बिम्स्टेक एक ऐसा संगठन है जो बेसिकली दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। यह साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है। यहां पर हम ध्यान दें, दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया के दो देश हैं, साउथ एशिया के देश कौन कौन से हैं, तो आएगा नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये चार पांच देश जो बेसिकली सार्क के मेंबर हैं और साउथ एशिया में है, वो इसमें है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के दो देश हैं, एक तो म्यांमार और दूसरा थाईलैंड। ये इसका मजबूत पक्ष भी है। आपसे पूछे कि वो कौन सा संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ता है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है, तो आपका उत्तर होगा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला संगठन जो है वो बेसिकली बिम्स्टेक है। इसको जोड़ने वाला
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम बिम्स्टेक है, इसका नाम बिम्स्टेक है। उसके बाद ध्यान रखना ये इसका मजबूत पक्ष भी है और इसका एक कमजोर बिंदु क्या है, इसका कमजोर बिंदु ये है कि जो दो देश दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं, साउथ ईस्ट एशिया के हैं, वो बिम्स्टेक के बजाय म्यांमार और थाईलैंड किस संगठन को ज्यादा वरीयता देते हैं, तो उत्तर होगा आसियान। तो उत्तर आपका होगा ये आसियान को अधिक वरीयता प्रदान करते हैं। तो ये पहला पॉइंट कि बिम्स्टेक का महत्व क्या है। बिम्स्टेक का पहला महत्व है कि ये एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने में अहम रोल अदा करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट होगा कि अगर थोड़ा सा हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के दृष्टिकोण से दो पॉइंट आएंगे। दो पॉइंट कौन से, कि भारत का सबसे कम विकास उत्तर पूर्वी राज्यों का हुआ है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट राज्य कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर आती हैं, सेवन सिस्टर्स, सात बहनें, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ये जो सात हैं, इन सातों के डेवलपमेंट में बिम्स्टेक एक अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है और उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है। और क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ी जो कमजोरी हमारी यहां पर है वो ये है कि हमारे पास में हमारे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का रास्ता प्रॉपर नहीं है, केवल ये रास्ता है सिलीगुड़ी होकर के। तो यहां पर ये ध्यान रहे कि अगर भारत बिम्स्टेक के साथ जुड़ता है और भारत बिम्स्टेक का सबसे लीडिंग कंट्री बनता है, तो उस स्थिति में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संबंध बेहतर होंगे, और बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बेहतर संबंधों के होने से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का बहुत बेहतर तरीके से विकास किया जा सकेगा, बहुत बेहतर डेवलपमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का हो सकेगा। साथ ही साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववाद और आतंकवाद को खत्म करने में भी इसकी अहम भूमिका हो सकती है, इसलिए यहां पर बिम्स्टेक इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तो पहला मैंने लिखा दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने में, दूसरा मैंने लिखा भारत के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में ये निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिन्हें हम सेवन सिस्टर भी कहते हैं, उनकी सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलती है, इसलिए ये दोनों देश क्योंकि यहां पर शामिल है, इसलिए इनके माध्यम से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास किया जा सकता है। और एक और ध्यान रखना कि बिम्स्टेक का एक प्रोजेक्ट है, बिम्स्टेक का एक प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट क्या है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये आप लोग ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, तो इसके उत्तर को बताने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भारत की सीमा। अब ये भारत मान लीजिए और ये आप म्यांमार मान लीजिए। अब भारत के ये जो स्टेट हैं जिसको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं, उनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनकी सीमा मिलती है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। और यहां तक पहुंचने के सुगम रास्ते हमारे पास में नहीं है, तो इस स्थिति में भारत के मिजोरम से एक नदी निकलती है जो बेसिकली म्यांमार होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, उसका नाम है कालादान नदी। वो कालादान नदी जहां पर गिर रही है वहां पर म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे, जिसका नाम है सितवे। इसलिए कई बार यहां पर यह भी लिखा हुआ है सितवे, कालादान
मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? तो सित्वे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये बिम्स्टेक के अंतर्गत भारत म्यांमार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत सित्वे नामक बंदरगाह जो म्यांमार का है उसका रिकंस्ट्रक्शन भारत करेगा। भारत वहां पर निवेश करके इसे आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा। इस बंदरगाह को कालादान नदी से जोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास करने में सित्वे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की अहम भूमिका हो सकती है और इस क्रम में बिम्स्टेक अहम रोल अदा कर सकता है। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे, कौन सा? सित्वे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। एक आप लोग ध्यान रखना कि बिम्स्टेक अगर मजबूत होगा तो भारत म्यांमार भारत थाईलैंड संबंध भी मजबूत होंगे, और अगर बिम्स्टेक मजबूत होगा तो भारत आसियान संबंध मजबूत होंगे, और भारत आसियान को जोड़ने वाला होगा म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड बिम्स्टेक के मेंबर भी हैं और आसियान के मेंबर भी हैं, इसलिए वहां पर भी इनका रोल हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बिंदु जो आपका होगा, हम पढ़ रहे हैं कि बिम्स्टेक का महत्व क्या है, उस महत्व में आप इसको जरूर ध्यान रखना। और एक जो है, एक चल रहा है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण, त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण, इस राजमार्ग का निर्माण भी इसी बिम्स्टेक के अंतर्गत किया जा रहा है, इस राजमार्ग का। और ध्यान रखना इससे बाई रोड इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का यातायात परिवहन और अधिक सुगम होगा। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पूरा करने की डेट 2019 दी थी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये भारत से म्यांमार और म्यांमार से थाईलैंड को जोड़ने में ये प्रोजेक्ट जो है निश्चित रूप से अहम रोल अदा करेगा, और यदि ये महत्वपूर्ण बनेगा तो इससे बिम्स्टेक भी मजबूत होगा। एक फिर बिम्स्टेक का और महत्व क्या हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना, बिम्स्टेक देशों ने वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया है। बिम्स्टेक देशों ने वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया है। इस आधार पर बिम्स्टेक जो है इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा कर सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये आपका होगा तीसरा बिंदु। तो तीसरा बिंदु जो आप बनाओगे वो होगा पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा कर सकता है। इसी प्रकार से चौथा ध्यान रखना कि इसका महत्व इस रूप में भी है कि बिम्स्टेक देश आपस में मिलकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड की स्थापना कर रहे हैं। बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड के माध्यम से जब बिम्स्टेक की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से ये देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को अपने यहां पर आकर्षित कर सकेंगे। और आपसे क्वेश्चन प्री के पॉइंट से ये पूछे, यूपीएससी प्री में अगर आप सबसे पूछे कि बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड सेंटर की स्थापना किस जगह पर की गई है, तो उत्तर होगा बेंगलुरु। इसका उत्तर होगा बेंगलुरु के अंदर, भारत में बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई, किसकी? बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड की स्थापना। इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिम्स्टेक ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइन की स्थापना का भी प्रोविजन चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके माध्यम से गैस सुरक्षा म्यांमार के अराकान क्षेत्र से गैस लाने में अहम रोल अदा कर सकेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। एक और महत्व में एक बिंदु आप और ध्यान रखना, और वो बिंदु होगा पांचवा बिंदु होगा कि बिम्स्टेक और छठा बिंदु होगा बिम्स्टेक, दोनों पॉइंट एक साथ आता हूं।
बिम्स्टेक जो है ये बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा में, बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा में अहम रोल अदा कर सकता है। और बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा को सबसे अधिक खतरा है चीन की मैरीटाइम सिल्क रूट से। अगर भारत बिम्स्टेक के माध्यम से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लेता है तो न केवल बिम्स्टेक मजबूत होगा, न केवल क्षेत्रीय सहयोग स्थापित होगा, न केवल बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा होगी, बल्कि इन सब के साथ साथ चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट को भी प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट को जो हमने पहले पढ़ लिया, उसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें, मैरीटाइम सिल्क रूट क्या है, तो उसको भी प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। मतलब अगर बिम्स्टेक होता है, मजबूत बनता है, तो बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा होगी। बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा होगी तो इस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित कर उसके MSR प्रोजेक्ट को प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। एक बिम्स्टेक का महत्व तो इस रूप में भी है कि जहां एक ओर सार्क में पाकिस्तान बार बार द्विपक्षीय मुद्दों को उठाकर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर जहां सार्क को सफल नहीं होने दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध भी स्थापित करे, इस क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संगठन को बढ़ावा भी दे, तो उसमें निश्चित रूप से सार्क का नया विकल्प बिम्स्टेक बन सकता है। शर्त केवल यह होगी कि बिम्स्टेक देश इसकी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे, इसकी घोषणाओं का सही इंप्लीमेंटेशन करे, अर्थात दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में सार्क का बेहतर विकल्प बिम्स्टेक बन सकता है। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यकाल में निश्चित रूप से सार्क की तुलना में बिम्स्टेक को महत्व दिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। इस क्रम में यह नीति कुछ हद तक सही भी है कि जब तक पाकिस्तान को अलग थलग नहीं किया जाएगा तब तक वो सीमा पार आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा। इसलिए यहां पर ये बहुत उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां एक ओर सार्क कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने बिम्स्टेक को आगे रखकर, बिम्स्टेक को मजबूती प्रदान कर निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक नई हलचल को जन्म दिया है। तो ये बिंदु भी यहां पर बहुत बेहतर तरीके से आप लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और होंगे, जैसे बिम्स्टेक में पर्यटन को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, और एक आपको पता होगा बिम्स्टेक में आसियान मास्टर प्लान को भी जन्म दिया जा रहा है। आसियान मास्टर प्लान क्या है कि चूंकि इसमें म्यांमार और थाईलैंड दोनों आसियान के सदस्य हैं और भारत ने आसियान के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है जिसको हम कहते हैं बाफ्टा, भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अगर बिम्स्टेक मजबूत होता है तो बिम्स्टेक देश एक मास्टर प्लान बनाकर आसियान के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, और आसियान मास्टर प्लान जो ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अहम रोल अदा कर सकता है। इन सब के अलावा हमें कुछ बिंदु और ध्यान में रखते होंगे, और वो जो पॉइंट्स हैं वो है कि यार आपसे ये पूछे, ये सब आपके पूरे हो गए हैं, जैसे स्थापना, पूरा नाम, सम्मेलन, महत्व, कमियां। सबसे पहले कमियों को हम देख लें, कमियां क्या है, तो इसकी दो कमियां हैं, और वो दो कमियां क्या है कि एक तो बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन अब भी निश्चित समय पर नहीं हो पा रहा है। बिम्स्टेक में जो क्षेत्रीय सहयोग के बिंदु डाले गए हैं, उन क्षेत्रीय सहयोग के बिंदुओं पर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए बिम्स्टेक को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले इसकी आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि इसकी कमियों को दूर करके इसे मजबूत संगठन के रूप में एस्टैब्लिश किया जा सके। अब उसके आगे बढ़े तो आप लोग ध्यान रखना
कि बिम्स्टेक का जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है, वो लेटेस्ट फोर्थ समिट जो है वो काठमांडू में हुई है, काठमांडू नेपाल में इसका चौथा सम्मेलन हुआ है। इसमें आप लोग ध्यान रखना कि काठमांडू सम्मेलन में बहुत सारे बिंदुओं को देखा गया है, जैसे बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा, नीले जल पर या ब्लू इकोनॉमी पर बल देना, माउंटेनियर इकोनॉमी पर बल देना, किस प्रकार से पर्यटन संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार से इस क्षेत्र में आतंकवाद को रोका जा सकता है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या प्रोग्राम होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या स्टैंड होना चाहिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बिम्स्टेक में अभी तक जो सहयोग के बिंदु है, जैसे यहां लिखा ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो जो सहयोग के बिंदु है, अब वो सहयोग के बिंदु क्या है, जैसे गरीबी एवं बेरोजगारी का उन्मूलन, ग्रामीण विकास, परिवहन एवं संचार, ऐसे 14 पॉइंट है टोटल। वो पॉइंट्स आपको याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि बिम्स्टेक के चौथे सम्मेलन में सहयोग के कुल बिंदु 16 हो गए हैं, 16 हो गए हैं, पहले 14 थे अब 16 हो गए, कौन से दो बिंदुओं को और जोड़ा गया है, तब आपका होगा एक तो इसमें सहयोग के बिंदु जुड़ गए, एक तो ब्लू इकोनॉमी और दूसरा होगा माउंटेन इकोनॉमी, कि ब्लू इकोनॉमी में किस प्रकार से कोऑपरेशन किया जाए और ब्लू इकोनॉमी में किस प्रकार से कोऑपरेशन किया जाए। आपके अगर आप पहली बार सुन रहे हैं ब्लू इकोनॉमी, जब कोई देश अपने बंदरगाहों पर, पोतासियों पर, तटों तटीय क्षेत्रों के विकास पर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के विकास पर, समुद्री संसाधनों पर, द्वीपीय देशों के साथ, प्रायद्वीपीय देशों के साथ उनकी अर्थव्यवस्था को जोड़ता है या उनके विकास पर बल देता है, तो इस प्रकार की नीति को ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहा जाता है। और यहां पर बिम्स्टेक में इस बिंदु को विशेष रूप से फोकस किया गया है कि ब्लू इकोनॉमी को किस प्रकार से जोड़ा जाए। एक बिंदु होगा इसमें माउंटेन इकोनॉमी, चौथे समिट में एक पॉइंट और है, तो जोड़ा गया है ब्लू इकोनॉमी को और दूसरा जोड़ा गया है माउंटेन इकोनॉमी को। ये दोनों क्या पॉइंट्स हैं, तो माउंटेन इकोनॉमी का मतलब होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में किस प्रकार से बिम्स्टेक अहम रोल अदा कर सकता है। अब जब पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बात होगी तो दो पर्वतीय देश यहां पर महत्वपूर्ण है, एक तो नेपाल और दूसरा भूटान। नेपाल और भूटान हिमालय के संरक्षण, उसके हॉट स्पॉट का संरक्षण, नेपाल से आने वाली नदियों का संरक्षण, भूटान से आने वाली नदियों का संरक्षण, और पूरी दुनिया में आपको पता होगा भूटान ने इस बात पर बल दिया है, अगर हमें भूटान से कोई एक चीज लेनी हो तो वो क्या होगी, भूटान ने यह कहा है कि हम ग्लोबल हैप्पीनेस पर बल दें, हम खुश कैसे रह सकते हैं उस पर बल दें, इस प्रसन्नता को भी एक बिंदु बनाया गया है। आपको याद होगा या आपको पता होगा या जानकारी होगी कि भूटान दुनिया का एक ऐसा देश है जो जीडीपी से ज्यादा जीएचपी पे बल देता है, हैप्पीनेस पे बल देता है, अर्थात कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों के विकास में अहम रोल अदा कर सकता हो, वो चाहे नदी परियोजना हो चाहे कोई और अन्य प्रोजेक्ट, लेकिन वो लोगों के विकास के साथ साथ अगर लोगों की खुशियों में कमी लाता है, हैप्पीनेस में कमी करता है, तो भूटान की सरकार उसे संरक्षण प्रदान नहीं करती है। ये हमें भूटान से सीखना चाहिए। भूटान एक ऐसा देश है जिसने प्रकृति को काफी संरक्षित किया है और उसके कारण ही
भूटान को बिम्स्टेक का कौन सा कॉपरेशन दिया गया है? तो उत्तर होगा कल्चरल कॉपरेशन। सांस्कृतिक सहयोग कैसे किया जाता है, लोगों की खुशी पर ध्यान कैसे दिया जाता है, यह किस देश से सीखा जाए? यह सीखा जाए हमें भूटान से। और भूटान ने यहां पर माउंटेन इकोनॉमी के माध्यम से इसको फोकस किया है। बहुत बेहतरीन बिंदु है कि आपसे पूछे कि बिम्स्टेक में हाल ही के सम्मेलन में किन दो बिंदुओं पर क्षेत्रीय सहयोग को और जोड़ा गया है, तो उत्तर होगा एक तो आपका ब्लू इकोनॉमी और दूसरा बिंदु जो आपका होगा माउंटेन इकोनॉमी, ये बिंदु आपका इसमें जोड़ा गया है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक समिट में कनेक्टिविटी पर बल दिया। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक समिट, जो चौथा समिट हुआ है वर्ष 2018 के अंदर, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के चौथे सम्मेलन में कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया है, जिसका अर्थ है, मतलब उन्होंने संपर्कता पर सबसे अधिक बल दिया है। और यह संपर्कता चार रूपों में है। नंबर वन, ट्रेड कनेक्टिविटी। सबसे पहला होगा ट्रेड कनेक्टिविटी। दूसरा, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। और तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट होगा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। और चौथा और सबसे अहम बिंदु उसमें दिया गया है, और वो है डिजिटल कनेक्टिविटी। तो ये चार बिंदु जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के चौथे सम्मेलन में बिम्स्टेक को मजबूत करने के लिए कनेक्टिविटी पर बल दिया। और उनकी कनेक्टिविटी के चार आधार हैं। सबसे पहले ट्रेड कनेक्टिविटी, अर्थात बिम्स्टेक के देशों में ट्रेड कनेक्टिविटी को, व्यापार संपर्कता को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। जब बिम्स्टेक देशों में व्यापार संपर्कता अधिक होगी, और इसके लिए FTA को भी लागू किया जाए, फ्री ट्रेड को भी, ताकि देश और नजदीक आ सके, ताकि इन देशों में ट्रेड बढ़ सके। और जब इनमें ट्रेड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने में नए आयाम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, व्यापार के साथ साथ बिम्स्टेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ा जाए, आर्थिक नीतियों के माध्यम से आपस में जोड़ा जाए, आर्थिक सहयोग को स्थापित करके बिम्स्टेक के फुल फॉर्म को सही रूप में स्थापित किया जाए। और आपको पता होगा बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है उसमें बल दिया गया है मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तकनीकी और आर्थिक सहयोग। तो तकनीकी और आर्थिक सहयोग, तो आप देखिए ये तीनों पॉइंट जो है ये बता रहे हैं आर्थिक सहयोग को, ये तीनों बिंदु जो है ये बता रहे हैं आर्थिक सहयोग को, और ये डिजिटल कनेक्टिविटी बता रहा है तकनीकी सहयोग को। तो एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि बिम्स्टेक देशों को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जोड़ा जाए, जैसे
सित्विक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से बंदरगाहों को आपस में जोड़ा जाए, जैसे भारत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पे निवेश कर रहा है, म्यांमार के सित्वे बंदरगाह पे निवेश कर रहा है, भारत श्रीलंका के अंदर चीन की भूमिका को कम करके भी अपना दबदबा वहां पर स्थापित करना चाहता है और एक पड़ोसी की भूमिका वहां पर अदा करना चाहता है, तो वो होगा। एक होगा डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब होगा बिम्स्टेक देशों में जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं का इंप्लीमेंटेशन, उनके बीच में आर्थिक व्यापार, उनके बीच में करेंसी का ट्रांसपोर्टेशन, वो सब का सब जो है वो बेसिकली डिजिटल तरीकों से किया जाए। अगर डिजिटल तरीकों से किया जाएगा तो बिम्स्टेक निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा करेगा। ये किसने कहा? भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और कहां पर कहा? तो ये उन्होंने बात कही नेपाल में बिम्स्टेक के चौथे शिखर सम्मेलन में। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2014 से 2018 के बीच में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट के तहत नेपाल जैसे छोटे से देश जिसको लंबे समय तक भारत सरकार ने इग्नोर रखा, वहां की चौथी यात्रा उन्होंने की थी। और इस यात्रा के माध्यम से न केवल भारत नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर बल दिया बल्कि बिम्स्टेक को भी मजबूत करने पर निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा की। अब उसके बाद भी लास्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो कुछ क्वेश्चन आपकी इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि एक अभी क्वेश्चन बहुत एक छोटे से एग्जाम में पूछा गया था लेकिन आगे यूपीएससी में भी आ सकता है। वो क्वेश्चन है नंबर वन कि बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय जिसको हम कहते हैं परमानेंट सेक्रेटरीट, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहां पर स्थापित किया गया है? बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरीट कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? तो उत्तर होगा ढाका के अंदर। और ढाका किसकी राजधानी है? तो उत्तर होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया है। दूसरा, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना किस जगह पर की गई है? ये मैंने बातों में आपको बता दिया था, वापस रिपीट कर लेता हूं। तो उत्तर होगा बेंगलुरु के अंदर भारत में इसका सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। तीसरा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि मौसम और जलवायु के अध्ययन हेतु तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछे कि मौसम एवं जलवायु के अध्ययन हेतु मौसम एवं जलवायु के अध्ययन हेतु बिम्स्टेक वेदर एंड क्लाइमेट सेंटर की स्थापना किस जगह पर की गई है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे जरूर बताएं। और पिछले दो दिनों से मैं देख रहा हूं कि व्यूज तो बढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के व्यूज में बहुत तेज गति से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कमेंट करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही है। कमेंट करने वाले लोगों की संख्या में कमी तब आती है जब स्टूडेंट जो है वो टीचर से प्राप्त तो करना चाहता है लेकिन उसकी बेहतर अध्ययन विधि को देखते हुए
वो थोड़ा सा ये सोचता है कि यार मैं कमेंट क्यों करूं, कैसे करूं, कब करूं, मैं ही क्यों करूं। मैं कह रहा हूं कि आप एक एक व्यक्ति जो है, आप इस अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को और इस मॉडर्न हिस्ट्री और आईआर की क्लास को मजबूत करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। आप जितने कमेंट करेंगे, जितने शेयर करेंगे और जितना लाइक करेंगे, हमारा हमारा मनोबल उतना ही बढ़ेगा। और ध्यान रखना आप लोग, यूपीएससी का ये सबसे बेहतर विश्लेषण हो रहा है जिसमें अनअकैडमी इंडिया के सबसे अच्छे, मैं अपने आप को सबसे अच्छा नहीं मान रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना अनअकैडमी अपनी तरफ से लॉकडाउन के इस पीरियड में सबसे बेहतरीन एजुकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रही है। इसलिए और बेहतर एजुकेटर्स आपके सामने आए, आप इसको शेयर कीजिए, आप यहां पर कमेंट कीजिए, आप कुछ ना कुछ लिखिए ताकि इस बात का पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं या आपको किस चीज की आवश्यकता है। और ध्यान रखना, मैंने खुद ने देखा है कि YouTube पर बहुत सारे 5-5 मिनट के, 7-7 मिनट के, 2-2 मिनट के बिमस्टेक के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर, सार के ऊपर बहुत सारे वीडियोज है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट से आपको काफी बेहतर विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। और मैं तो कह रहा हूं यूपीएससी क्यों, अगर आपको किसी स्टेट एग्जाम में पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार या एसएससी का एग्जाम देना होगा तो वहां पर भी इतने एनालिसिस की आवश्यकता होगी। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर क्या मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए बेहतर हो सकता है। ध्यान रखना ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास है, ये अंतर्राष्ट्रीय करंट इश्यूज की क्लास है, जो आप हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो मध्य प्रदेश पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो और चाहे यूपीएससी हो, वो आपके हर एग्जाम को कवर करेगी। और जब तक आप किसी संगठन को जैसे मैंने पढ़ाया है उस रूप में तब तक आप नहीं देखोगे, तब तक आप चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, चाहे क्रॉनिकल पढ़ लीजिए और चाहे आप किसी और इंपॉर्टेंट मैगजीन को पढ़ लीजिए, आपको फैक्चुअल डाटा केवल फैक्चुअल लगेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको सामने प्रेजेंट किया है, अगर इस प्रकार कॉन्सेप्ट से आप पूरा पढ़ेंगे तो एक पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से चीजें आपको याद होगी, लंबे समय तक आप उसको ले जा सकेंगे और साथ ही साथ वहां एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर आपको केवल अपडेट करना होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फिर एक बार कि आप बार बार बेहतर तरीके से, अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आ रही हो तो आप जरूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। तो मैंने कहा कि मौसम एवं जलवायु के अध्ययन हेतु बिम्स्टेक वेदर एंड क्लाइमेट सेंटर कहां पर खोला गया है, ये लेटेस्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा नोएडा, भारत के अंदर खोला गया है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम में, ये ऐसे भी बन सकता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, उसमें सूची फर्स्ट में दे दें बिम्स्टेक सेक्रेटरीट, बिम्स्टेक वेदर एंड क्लाइमेट सेंटर, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर और बिम्स्टेक कल्चरल सेंटर, और एक साइड में 1, 2, 3, 4 दे दें और लिख दें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और चूंकि बिम्स्टेक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है इसलिए यहां से प्रश्न बन सकता है। अब एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखें कि बिम्स्टेक कल्चरल सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है। चौथा पॉइंट होगा बिम्स्टेक कल्चरल सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम लिखें कि बिम्स्टेक कल्चरल सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है, तो उत्तर होगा थिम्फू भूटान, थिम्फू भूटान के अंदर इसकी स्थापना की गई है। अब ओवरऑल क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देकर आप अपनी सक्रियता दिखाएंगे,
ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि आप अभी का अभी बताएं, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो मैंने पढ़ा दिया उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बिम्स्टेक का सबसे आरंभिक नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में तुरंत तेज प्रभाव से लिखें, बिम्स्टेक का आरंभिक नाम क्या था, कमेंट कीजिए। नंबर दो, बिम्स्टेक की स्थापना बिस्टेक के रूप में कब हुई? तीसरा, बिम्स्टेक का कौन सा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था? चौथा, सितवे कालादान नदी परियोजना किन दो देशों के बीच का मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और एक बताइए कि कालादान नदी भारत के किस राज्य से म्यांमार को जोड़ती है? नेक्स्ट, सितवे बंदरगाह किस खाड़ी के तट पर है? सितवे बंदरगाह किस पोर्ट पर है? नंबर चार, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के चौथे शिखर सम्मेलन काठमांडू में कनेक्टिविटी के लिए किन चार क्षेत्रों पर बल देने की बात कही? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई करें तो हमें लगेगा वास्तव में आप बहुत एप्रिसिएशन के साथ मेरी क्लासेस को देख रहे हैं। अगर आप लगातार कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके पास आने वाले कल के अंदर और बहुत सारी सामग्री लेके आऊंगा। अभी तो हमने IR का 1/3 पार्ट भी नहीं पढ़ा है, अभी तो भारत पाकिस्तान बाकी है, भारत भूटान बाकी है, भारत अफगानिस्तान बाकी है, अभी तो यूनाइटेड नेशन बाकी है, यूनेस्को बाकी है, WTO बाकी है, IMF बाकी है, वर्ल्ड बैंक बाकी है, G7 बाकी है, G7, G20 नेम क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, लेकिन वो तमाम चीजें मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा कमेंट की गई चीजों से ही आपका एनालिसिस करूंगा कि वास्तव में आप मेरी क्लासेस को बहुत सीरियसली वॉच कर रहे हैं। मुझे इसी समय आपके कमेंट्स चाहिए ताकि नेक्स्ट क्लास में और नई एनर्जी के साथ में आपके साथ नई नई चीजें प्रस्तुत की जा सके। तो आज दोस्तों इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।